वीडियो में ना मैं दिखाने वाला हूँ डिज़ाइनर की लाइफ क्या होती है, जो बोलते हैं ना कि डिज़ाइनर बन जाओ एक बार, ग्राफिक डिज़ाइनर और ये सब चीज़ बन जाओ और लाइफ सेट है। तो मैं दिखाता हूँ कितनी लाइफ सेट है। इस वीडियो में ना मैं पूरा ये दिखाऊंगा कि डिज़ाइनर की जो पूरी एक दिन की जो दिन है ना वो कैसे जाता है डिज़ाइनर का। अरे देखो हनुमान जयंती आ रही है तो इसलिए हनुमान जी को भी सजाया जा रहा है, पेंट वेंट कराया जा रहा है इधर हनुमान मंदिर पे, करोल बाग वाले जो काफ़ी फेमस है। टीवी सीरियल में दिखाते थे इसे, हर एक वीडियो में आता था सुबह सुबह, सबसे पहले सुबह सुबह नहीं सॉरी सबसे पहले आता था वीडियो में। काफ़ी काम लग रहा हो गया है, हनुमान जयंती की तैयारी चल रही है सही से। मंगलवार 22 अप्रैल हमारी भी ग्रीन लाइट हो गई है और भागो जल्दी से। जो मेरे पूरे रास्ते में सबसे अच्छी रोड आती है वो सही है यही होती है वो रोड, जिसमें ग्रीनरी काफ़ी अच्छी है और फूल वगैरह भी दिख जाते हैं थोड़े बहुत। बाकी जाम देखो इस साइड वापस आते हुए लगेगा ये सारा जाम। खैर जाते हुए भी अभी हमें काफ़ी जाम मिलने वाला है, वो भी दिखाऊंगा। एक बहुत बड़ा पार्ट है ये भी हमारे जर्नी का कि कितना बड़ा स्ट्रगल है वो हमारा। और सबसे अभी जो बेस्ट टाइम है ना घूमने का दिल्ली में यही है, पेड़ पौधे देखो फुल ग्रीन है, फूल वूल सब लगे हुए हैं। अभी फूल वगैरह भी दिखेंगे, आगे की साइड दिखाता हूँ। फिर से रेड लाइट, भाई साहब अच्छा हाँ एक चीज़ तो मैं बताना भूल गया, डिज़ाइनर लाइफ बता रहा हूँ और मेन चीज़ बताना भूल गया, मेरा जो ऑफिस का टाइम है ना वैसे तो 9:30 बजे का है और लेकिन आप 10:30 तक आ सकते हो, और जब मैं अभी निकला हूँ ना तो 10 बज रहे थे घर से, पीछे काफ़ी जाम था तो मैंने वो वीडियो नहीं दिखाई, हालाँकि मैं इसमें लगा दूँगा अगर देखनी है तो वीडियो। बाकी देखो फूल वगैरह ये जो मैं कह रहा था ना ये देख, आगे और भी दिखेंगे बहुत सारे हैं यार, मतलब सबसे बढ़िया मौसम है ये वाला। आज है फ्राइडे और कल सैटरडे को हम प्लान करूँगा मैं एक साइकिल राइड वगैरह करने की, उसकी भी एक प्रॉपर वीडियो बनाऊँगा अगर जो दोस्त गए तो साथ। ये देखो ये रे, ऐसे ऐसे ना बहुत सारे हैं अलग अलग, यहाँ पर तो खैर फिर भी कम है। जो इंडिया गेट वाली रोड है ना उस पर तो भाई साहब दुनिया भर के भरे पड़े हैं, दुनिया भर के। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि जो डिज़ाइनर का जो टाइमिंग है ना वो है तुम्हारा 10:30 बजे तक आने का, और 10:30 तो भी मेरे को होने वाले हैं यहाँ पर, 10:20 के करीब तो मैंने भी ये दोबारा से कैमरा ऑन किया था करोल बाग आके, 10 बजे के करीब मैं निकल गया था। तो आज काफ़ी लेट हूँ, अभी दिखाता हूँ आगे कितना जाम मिलने वाला है और कितने बजे तक मैं पहुँचूँगा और ऑफिस में क्या क्या सीन रहने वाला है काम का। तो यार डिज़ाइनर बनो ना, सोच समझ के बनना बस। बाकी एक और चीज़ है आज बताने के लिए बहुत ही अच्छी, जो कि इस वीडियो के एंड में बताऊंगा मैं। आज मेरे को ऑफिस जाना है, ठीक है मैं चलो थोड़ा बहुत बता देता हूँ। आज ऑफिस जाना है मेरे को, अब फिर उसके बाद मैं 15-20 दिन की छुट्टी पे हूँ बेसिकली, फिर सीधा मेरे को मार्च तो अभी निकल जाएगा, फिर मेरे को जाना है सीधा अप्रैल में, 1 अप्रैल से जाना है और अभी चल रही है 15 मार्च है आज, हाँ आज 15 मार्च है तो सीधा 15 दिन की छुट्टी पे हूँ मैं, कहीं जाने वाला हूँ बहुत अच्छी ट्रिप पे, बड़ी सी ट्रिप पे जो कि वीडियो की एंड में बताऊँगा। खैर उसकी भी वीडियो आएगी, अभी बाइक बंद कर लेते हैं क्योंकि बहुत टाइम है रेड लाइट का यार। लेकिन ये वाला जो मौसम है ना बाइक चलाने का सबसे बढ़िया है,
इसी चीज को देखते हुए ना हम एक बाइक की ट्रिप करने वाले हैं बहुत ही जल्द जल्द। क्या कल परसों परसों की बात है, परसों ही निकल जाएंगे हम, संडे में निकल जाएंगे हम। हाँ चलो फिलहाल भगाने में फोकस करते हैं। अरे यार जाम लगा हुआ है आगे, गलती फंस गए। दिल्ली गुड़गांव वालों की सबसे बड़ी परेशानी यही है जाम, हर एक मोड़ पे अलग अलग जाम मिलते हैं। ये बस वाले ने उधर टेढ़ी करके देखो पीछे कितना जाम लगा रखा है, इधर मुड़ नहीं पाएगा क्योंकि इतनी बस ऑलरेडी खड़ी हुई है, और पीछे तक देखो कितना जाम लगाया हुआ है इसने भाई साहब। और एक चीज़ और दिखाता हूँ यार, मतलब ऐसा लगेगा जैसे किसी ने ना अपना गार्डन बना रखा हो काफ़ी केयरिंग वगैरह करके, हालांकि उसकी भी केयर होती है, गार्डनिंग वगैरह उसकी भी होती है, लेकिन वो ऐसी देखो रोड की साइड में ही है, इतना सुंदर। यहाँ से नीचे उतरते ही अभी आ जाएगा, और जाम का भी सिलसिला स्टार्ट हो जाएगा थोड़ी देर बाद। ये है जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड में ना, ये देखो कितना सुंदर है, पता नहीं दिख रहा नहीं दिख रहा कैमरे में सही से, लेकिन एक्चुअल में ना बहुत सही है ये। जितना सोचा था ना उतना तो जाम नहीं मिल रहा, अभी शायद लेट हो गया इसलिए भी, क्योंकि यहाँ पर भी वरना डेली जाम ही रहता है। आज मैंने सोचा कैमरे में भी दिखा देते हैं थोड़ा सा कि कैसी रहती है लाइफ हमारी डेली दिल्ली गुड़गांव आने जाने वालों की। पीछे का काफ़ी जाम तो कवर हो गया है और अभी काफ़ी बाकी है। इतनी इतनी जगह में निकालना पड़ता है यार, फंस गए। अब यहाँ से जाम का सिलसिला स्टार्ट हो गया है धोलकों से, अब ये सीधा ऑफिस तक मिलेगा। बीच बीच में एक दो मिनट के लिए शायद खुला मिल जाए, लेकिन पूरा रास्ता है वैसे निकलने वाला है धोलकों से सीधा गुड़गांव तक। जाम ना लगे अगर जो लोग बाइक गाड़ी शेयर कर करके आ जाए ना, क्योंकि मैक्सिमम गाड़ी अगर जो मैं दिखाने लगा ना, ये जो बैठे हुए लोग सब सिंगल सिंगल बैठे हुए हैं ऑफिस जाने के लिए। अगर जो कार पुलिंग वगैरह कर ले कितना सही रहे, रोड भी खाली रहेगी और बाइक वालों को भी दिक्कत नहीं, कम से कम इतनी जगह तो फिर रहेगी कि बाइक तो आराम से निकल ही जाए। हालांकि अब भी निकल जाती है, लेकिन कुछ कुछ जगह पे तो ऐसा हो जाता है कि बाइक भी स्टैंड लगा के खड़े हो जाओ बस, अब नहीं जा सकती आगे।
भाई पहले चलते थे पानी के टैंकर बहुत ज़्यादा दिल्ली में, लेकिन खैर अब तो दिल्ली में नहीं चलते इतने, मतलब मेरी नज़र में तो नहीं चलते। बाकी कुछ जगह होगी ऐसी दिल्ली में जहाँ चलते होंगे तो पता नहीं, गांव वाँव में तो शायद है या नहीं, ये इसका तो मेरे को अंदाज़ा नहीं है बिल्कुल भी। अगर जो कोई गाँव से देख रहा है वीडियो तो बताना। नोएडा, नोएडा नहीं सॉरी गुड़गांव, तो मैं बस ऑफिस ना इसलिए ज्वाइन कर देखा है कि मेरे को एरोप्लेन दिख जाते हैं उड़ते हुए, नहीं तो नोएडा पास पड़े और नोएडा ही चला जाऊँ मैं ऑफिस के लिए तो अपने। की गर्मी से तपते हुए दिखते गुजराए परवर की छाया, ऐसा हो गया हो मन जो की लगन तेरी आया मेरे राम। अरे भाई सब मिल गई आज ये लड़की अभी दिखाता हूँ आगे, अगर जब पकड़ पाए तो इसको। भाई MT-15 चलाती है फुल स्वैग में, ये रही शायद ये भी वीडियो बना रही होगी अभी, पता नहीं, नहीं कैमरा नहीं लगा रखा इनने। बाकी बहुत तगड़ी बाइकें चलाती है। हाँ अभी तो वीडियो नहीं बना रही है, वरना जब वीडियो बनाती है ना तो भाई बहुत तेज तेज निकाल के लेके जाती है, ऐसे जाम में से तो ऐसी निकाल लेती है। इसका भी कोई चैनल है, नाम नहीं पता, अच्छा खासा इसके सब्सक्राइबर वगैरह सब कुछ है। दिख रहा है दूर तक का जाम? पता नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है कैमरे में, लेकिन ये है डिज़ाइनर की लाइफ। देखो काम ना इतना नहीं है, ठीक है काम बंदा कर ही लेता है कुछ भी हो, लेकिन जो आना जाना होता है ना भाई वो मार देता है। आठ से दस घंटे तो ये समझ लो तुम्हारी जॉब की होगी, ठीक है अगर तुम्हारी कंपनी बहुत ही अच्छी है तो तुम्हारे घंटे आठ घंटे तो कम से कम है, ठीक है। अगर तुम्हारी कंपनी मतलब मीडियम टाइप है कि ठीक है कभी कभी लेट हो जाते हैं तो 9 घंटे तो डेली के मांग के चलो, तुम्हारी कंपनी हरामी है एक नंबर तो 10 से 11 घंटे डेली के मांग के चलो, ठीक है। और ये मैं वर्किंग आवर बता रहा हूँ, आना जाना इसमें सब अलग है। और दिल्ली से तुम गुड़गांव जा रहे हो तो 2 घंटे तो रस्ते के मान के चलो, आना 2 घंटे जाना 4 घंटे ये हो गए, तो 14 घंटे तो भाई मोटे मोटे यही हो गए। और अच्छी कंपनी वालों के लिए भी 12 घंटे हो गए। बच्चे 12 घंटे में तो मैं खाना पीना भी करना है, सोना भी है, बाकी फैमिली के साथ भी रहना है, सब काम करने हैं। तो समझिए अपने पूरे दिन के सबसे ज़्यादा टाइम में ना आप अपने ऑफिस में बिता देते हो कलीग्स के साथ, जो आपके सगे नहीं होते ना आप उनके साथ बिता देते हो, बेसिकली जो आपके साथ के सांप होते हैं। हाँ
हालांकि कुछ कुछ अच्छे भी होते हैं, लेकिन अच्छे बहुत ही किस्मत से मिलते हैं और वो अभी शायद एग्जिस्ट नहीं करते मेरे ऑफिस में। मैं शिव जी का भगत हूँ, ठीक है, चलो कोई नहीं, सो है तो सच, लेकिन मतलब मुझे मजाक में बता ही देता हूँ, शिव जी का भगत हूँ तो इसलिए मैंने ऑफिस में बहुत सारे सांप पाल रखे हैं। आज एक सांप आया नहीं है, बीमार पड़ा है वो घर पे है, तो उससे मिलवा था, वो एक बहुत ही अलग तरीके का सांप है। उस सांप में गिरगिट वाली शक्ति है, वो बात बात पे अपना रंग बदल लेता है, तो आज तो आएगा नहीं, थोड़ा सा बीमार है। हालांकि वो भी एक उसकी क्या कहते हैं एक्टिंग है, बीमारी मार नहीं है कुछ, गया हुआ है घूमने, दो दिन की छुट्टी लेके, और दो दिन है ही, तो उसने भी नई गाड़ी ली है तो घूमने गया है वो। लेकिन ऑफिस में जब इंस्टेंट छुट्टी चाहिए हो ना आपको, तो आप बीमार पड़ जाते हो एकदम से। तपते हुए मिलते पर्वत की तल की छाया, पत्ते पत्ते पड़े हैं यहाँ पे पूरे रोड पे, कॉल का टाइम चल रहा है। ऐसा हो मेरा मन, एक दिन इस मंदिर में अभी आएंगे, संकट मोचन हनुमान मंदिर, इसमें तो मैं साइकिल से आऊँगा यहाँ तक। अरे यार आगे फिर से जाम दिख गया बहुत लंबा। देखोगे ना सारी गाड़ी में सिंगल सिंगल बंदे बैठे हुए, सिंगल ऑफिस जाने के लिए बेसिकली। ये देखो सामने जाम कितना लंबा लगा हुआ है, वहीं से निकल के जाने, कोई और रास्ता नहीं है, चले जाएंगे। अभी तक जितना पार किया है वो भी पता नहीं चला बातें करते हुए, आगे का भी पता ही नहीं चलेगा। अगर मैक्सिमम लोग भी ऐसे करने लग गए ना तो इस मेले रोड पे आधी गाड़ियाँ हो जाएगी, ये लोग भी टाइम पे पहुँचेंगे, हम लोग भी, पोल्यूशन भी कम होगा। लेकिन है ना जब शेयर करते हैं ना, कार पूलिंग करेंगे तो इससे ना इनकी इज्जत घट जाएगी, मेन बात ये होती है। ऑफिस में कौन कितनी बढ़िया गाड़ी ला रहा है ना, ये कॉम्पिटिशन हो गया आज के टाइम में। हालांकि कंपटीशन होना चाहिए इस टाइप का कि देखो मैं इतना दूर से आता हूँ तब भी कार पूलिंग करके आ रहा हूँ, या मेट्रो से आ रहा हूँ, या ऐसे आ रहा हूँ। मेट्रो से याद आई तो मेट्रो का भी बता देता हूँ भाई, मेट्रो में भी बुरा ही हाल है, इतने लोग रोड पे हैं, इससे ज़्यादा लोग तो मेट्रो में भी दिख जाएंगे, तो एक तो पॉपुलेशन भी इतनी है ना।
समझ नहीं आता कि करे तो करे क्या। ये वाला वीडियो मैं पूरा रो डालने वाला हूँ, ऐसे जहाँ लगेगा बहुत ही ज़्यादा लंबा कुछ नहीं बोला मैंने वहाँ पे कट कर दूँगा, बाकी तो ऐसे डालने वाला हूँ ताकि रियल स्ट्रगल पता चले, क्योंकि कट कट करके करूँगा ना वो पता नहीं चलेगा। याद है मैंने कहा था कि ढोलक वॉर से पूरा ऑफिस तक जाम मिलेगा, थोड़ा सा रास्ता रहता है, अभी महिपालपुर पहुंच गए हैं। अब अगले वाला फ्लाईओवर सीधा वहीं का होगा, टोल वाला एम्बियंस मॉल जो उतरता है। और देखो जाम ना बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हुआ है, और ये जाम वो है जो बोल रहे थे ना न्यूज़ वाले कि द्वारका का फ्लाईओवर बन जाएगा, जाम ख़त्म हो जाएगा। तो देख लो भाई कितना चलता है, मतलब बोलते कितना ज़्यादा है और होता कितना कम है। हालांकि फ्लाईओवर बना है, अच्छा बना है, बहुत बढ़िया है, मोदी जी आए थे उद्घाटन करने, लेकिन आने का टाइम थोड़ा सा उन्होंने भी कैजुअल ढूंढ लिया था मंडे, और शायद सुबह का टाइम था उद्घाटन का जहाँ तक मतलब मेरे को पता है, बाकी हो सकता है मैं गलत भी हूँ पता नहीं। और उस दिन भाई जो मैं जाम में फंसा ना, 12:30 बजे ऑफिस पहुँचा था उस दिन तो मैं, ये देखो इसी वजह से आता हूँ बस मैं ये सब चीज़ देखने के लिए एरोप्लेन। अब नोएडा में ही दिखेंगे नहीं ना, नोएडा में दिखेंगे रोंग साइड आते हुए। नहीं नहीं सर, नोएडा में दिखेंगे रोंग साइड आते हुए स्कॉर्पियो काले शीशे, जो कि ऐसे लगेगा यमराज बैठ के आ रहा है उसमें कि तुम्हारी बाइक उड़ा के ही मानेगा। ये देखो फूल ना अभी तक लगे हुए हैं, जो मैं कह रहा था ना अभी दो तीन दिन से 5 दिन होने वाले हैं, मतलब हो ही गया, आज 5वां दिन है उद्घाटन हुए हुए, ये रहा स्टार्ट हो गया फ्लाईओवर। हनुमान जी शिव जी महाराज की जय, सभी देवी देवताओं की जय वैसे तो। ये रहा कितने लोग जा रहे हैं इसमें, वापिस भी यहीं से आ रहा है क्या ये तो। एक दिन इसको भी दिखाऊंगा, किसी दिन सुबह सुबह जल्दी आऊंगा ऑफिस और यहाँ से ऊपर से अंदर अंदर आगे निकल जाएंगे। भाई 11 बजने वाले, 10:52 हो गए, अगर जो ये बाइक में यहाँ पर भगा पा रहा हूँ तो इसका मतलब ये मत सोचना आगे खाली मिलेगा, आगे भी जाम मिलने वाला है। अब बस ये थोड़ी सी थोड़ी रोड आ चुकी है तो इसलिए थोड़ा सा सही चलाने का मौका मिल रहा है। ये
ये खुशी इस टाइप की है कि जैसे चार दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है, वैसे ही है, चार मिनट की खुशी है फिर वापस खूब जाम है, खूब अंधेरा जाम है। लोग नहीं निकल पाते, देखा था ना बाइक वाला साइड हो गया, हमें निकल पाए वहां से, बहुत मेहनत लगी है बाइक सीखने में, ऐसी इस हर किसी को नहीं आती। पहले एक जोकर मेरे साथ बैठ के आता था ऑफिस, अब वो जोकर किसी और के साथ बैठ के जाता है, हालांकि उस जोकर की जो मैं हवा ख़राब करके रखता था ना, उसे हर दो मिनट में यमराज याद दिला देता था, इसी वजह से वो मेरे साथ नहीं आता। और ये भी एक टैक्टिक्स थी, ट्रिक थी थोड़ी सी, पीछे किसी को ना बिठाने की। पहुंचने वाले हम, ठीक है, एम्बुलेंस मोल आ गया, साइबर सिटी आगे आने वाले। मेन बात ये है, 15 जो 20 दिन की मैंने बोल दिया ना, 15 दिन की छुट्टी के लिए वो मैं जा रहा हूँ लद्दाख, और उसकी वीडियो आने वाली है बहुत जल्दी। ये देखो ठुल्लो ने रोक लिया। हाँ, तो वापस आते हैं लद्दाख के लिए, मैं जाने वाला हूँ लद्दाख, उसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। संडे को निकल जाएंगे हम और फिर आएंगे सीधा अप्रैल में, उसकी भी वीडियो आ जाएगी। मेरी ख्याल से थोड़ा सा टाइम लगेगा आने में, क्योंकि अप्रैल में मैं आऊँगा और मई तक वीडियो आएगी, क्योंकि आते ही ना 15-20 दिन तो ऑफिस का काम ही इतना हो जाता है कि सब कुछ भूलना पड़ता है। हालांकि लाइफ थोड़ी ईजी हो चुकी है जब से AI वगैरह आया है, और इजी के साथ साथ थोड़ी सी डेंजर में भी जा चुकी है जब से AI आया है। हालांकि ग्राफिक डिज़ाइनर की लाइफ थोड़ी इजी हो चुकी है जब से AI वगैरह ये सब चीज़ आई है, और इजी के साथ साथ डेंजर भी हो चुकी है जब से ये सब चीज़ आई है, और डेंजर उन लोगों के लिए हो चुकी है जो इसको नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि इसको यूज़ करना सीख लो वापस तुम ही किंग बने रहे ना, क्योंकि ये भी एक समझ के एक टाइप का ना टूल ही समझो, जैसे फोटोशॉप इलस्ट्रेटर ये सब टूल होते हैं, फिग्मा वगैरह, वैसे भी एक ये भी टूल है, बस इसको चलाना सीख लो, बल्ले बल्ले है, कहीं जॉब नहीं जाएगी आपकी। और जो नहीं सीखेगा वो पीछे रह जाएगा। ये रही हमारी साइबर सिटी। यहाँ पर आके कभी कभी लगता ही नहीं दिल्ली गुड़गांव में हो, एक गुड़गांव का मॉडल ये है। और थोड़ा सा यहाँ से 5 किलोमीटर दूर चले जाओगे ना, 5 नहीं खैर 10 किलोमीटर दूर, अलग ही गुड़गांव दिखेगा तुम्हें। ओ भाई साहब, ब्रेकर,
यहाँ से यू टर्न लेने के बाद ना मैं कैमरा बंद कर दूंगा और सीधा ऑफिस के बाहर ऑन करूंगा। ऐसे पूरा ऑफिस का रास्ता नहीं दिखाने वाला मैं किसी को भी, क्योंकि फॉलोअर्स मेरे बहुत सारे हैं तो मैं नहीं चाहता मेरे ऑफिस के बाद भीड़ लग जाए। समझ रहे हो ना, फॉलोअर चेक कर लो एक बार जरा, फॉलोअर नहीं सॉरी सब्सक्राइबर चेक कर लो। अब वीडियो के व्यू तो देख के पता चल ही जाएगा कितने लाखों करोड़ों में आ गए हैं। समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूँ। बस तो कैमरा मैं ऑफ कर दूंगा ताकि ये करोड़ों लोग मेरे ऑफिस के बाहर आके ना खड़े हो जाए, सर ऑटोग्राफ चाहिए ऑटोग्राफ चाहिए, और ऑफिस के लोग बेचारे परेशान होते रहे। तो सबका देखना पड़ता है, इसलिए कैमरा ऑन करने वाला हूँ मैं भी सीधा, अब ऑफिस के बाहर जाके ऑन करूँगा। ये है थोड़ी सी आने जाने की जर्नी, जाने जाने की, अभी आने की शायद देखता हूँ दिखाऊँ नहीं दिखाऊँ आगे इसी वीडियो में, अगर जो दिखाऊँगा तो इसी वीडियो में यहीं से कंटिन्यू कर दूँगा, और अंदर का भी थोड़ा बहुत दिखा दूँगा ऑफिस में कि क्या क्या काम कैसे कैसे करना पड़ता है, कितना कितना टाइम बैठे रहना पड़ता है। चलो ऑफ करता हूँ अब। ऑफिस में आती सबसे पहला काम है ड्राई क्लीन करना अपने आप को। हालांकि ना क्या है ये बस बाइक की वजह से हालत है ऐसी, हेलमेट और ये सब चीज। I keep it